हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, सौंठ की चटनी, इमली और खजूर से बनी सौंठ की चटनी। तो चलिए सब देखते हैं कि कैसे बनाई है हमने। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 100 ग्राम इमली, जो कि बिना बीजों की है। तो अगर आपके पास बिना बीज वाली इमली नहीं है तो आप उसके बीज निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इमली जो है आम एक नॉर्मल पानी में डिप करी है। तो आपको अगर चटनी जल्दी बनानी है तो आप गुनगुने पानी में डिप कर सकते हो। और ऐसे ही मैंने 8 से 10 खजूर ली है, जिसको कि 25 ग्राम लगभग होगी खजूर। तो इनको भी धो के मैं सिंपल पानी में डिप कर लूँगी। ये मॉर्निंग का टाइम है कोई 11 बजे का, और चटनी मैं बनाऊँगी शाम को, मतलब 6 से 7 घंटे इसको भीगने देंगे। तो नॉर्मल पानी में मैंने खजूर को भी डिप कर लिया है। तो जैसे ही ये फूल जाएंगी तो मैं इसके बीज अलग कर दूंगी। तो फ्रेंड, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो इमली है वो अच्छे से फूल चुकी है। तो अभी इनको मैंने कढ़ाई में डालने से पहले आपको चेक करा रही थी कि देखिए ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हमें चटनी बनानी है, तो उसी में मैंने इसको डाल दिया। अब थोड़ा सा ऊपर से मैं पानी भी डाल दूंगी ताकि इमली जो है वो पूरी तरह से अच्छे से डिप हो जाए, तो ताकि हमें बार बार पानी जो है उसमें ऐड ना करना पड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि खजूर भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो अभी मैं इसके बीज अलग कर लूंगी। तो ऐसे ही मैंने खजूर के बीज सारे अलग कर लिए हैं, इसको भी हम लोग इमली में ही ऐड कर देंगे। पानी सफिशेंट है, अभी और इसमें पानी ऐड नहीं करना। अभी मैंने इसको गैस पे रख दिया है, 4 से 5 मिनट तक इसको उबालेंगे, क्योंकि इमली और खजूर जो है वो अपनी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, नरम है। फुल आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए उबालेंगे इसको। और इस स्टेज पर मैं कर दूंगी अभी गैस बंद, क्योंकि 2 से 3 उबाल आ चुके हैं इसमें, 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इमली को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, इमली हो गई है ठंडी। अभी इसको मिक्सर जार में मैं निकाल लूंगी और इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए ऐसे मैंने इसको पीस लिया, इसको पेस्ट बना लिया। अभी इसको छान लेंगे एक बर्तन में। छानना इसलिए जरूरी है कि इमली के थोड़े बहुत जो छिलक रह जाते हैं या खजूर के थोड़े बहुत हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं, वो वेस्ट हमें नहीं चाहिए होती। हाँ जी, देखिए प्यूरी बिल्कुल निकल आई है पेस्ट इमली का। तो अभी जहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, तो इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा और 1/4 डालेंगे इसमें हींग, 2 या 3 पिंच भी बोल सकते हो आप। अभी जो हम लोगों ने पेस्ट बना के रखा हुआ है इमली और खजूर का, वो इसमें डाल देंगे। और आंच मैंने बिल्कुल स्लो करी हुई है, सिम करी हुई है, ताकि अपना मसाला जले ना। अभी इस इमली को पकाएंगे हम लोग मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट तक के लिए। जैसे इसमें एक उबाल आ जाए, 2 उबाल आ जाए, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी गुड़। गुड़ मैंने लिया है जहाँ पे 50 ग्राम, उसको मैंने काट लिया था। अभी गुड़ को अच्छा सा मेल्ट होने देंगे। तो गुड़ मेल्ट होने पे मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैंने डाला है ब्लैक नमक, और 1 ही चम्मच डाला है भुना हुआ जीरा, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, और 1 चम्मच ड्राई जिंजर, जिसको कि सौंठ की चटनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सौंठ जाएगी। 1/2 चम्मच डाला है सौंठ का,
और आधा ही चम्मच डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर। अभी इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, पाँच से छः मिनट तक अभी इनको उबलने देंगे। जब चटनी लगभग अपनी तैयार है अभी बनके, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच चीनी के। आपने देखा होगा चाट जब हम लोग खाने जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट सी चटनी होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि चटनी लगभग अब अपनी तैयार ही है। तो इस स्टेज पे आके मैंने गैस कर दिया है बंद, आप देख सकते हो करछी के पीछे तक वो लग रही है, गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम पे, क्योंकि ठंडे होने बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। अभी गैस मैंने बंद कर दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हो ये बिल्कुल तैयार हो गई है चटनी। तो अभी ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, तो अभी मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि देखिए ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो चुकी है। आप इसको कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।